देखिए किस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम यात्रा जिस पर निकल गए हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी दफ्तर लाया जा रहा है पार्थिव शरीर को, राजकीय सम्मान के साथ विदाई पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी जा रही है। अंतिम सांस कल शाम 5:05 पर दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने। और देखिए करीब 2 महीने से ज्यादा वक्त तक वो अस्पताल में रहे। 11 जून को अस्पताल में भर्ती हुए थे, हालांकि उस दौरान महज 2-3 दिन में उनकी हालत संभली, लेकिन फिर अचानक से 15 अगस्त से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी और 16 अगस्त 2018 शाम 5:05 पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। तो हम बीच बीच में आपको सुना भी रहे हैं किस तरीके का माहौल, जो आप समझ पाए इन तस्वीरों को देखकर, उन आवाजों को सुनकर, इस वक्त जो कृष्ण मेनन मार्ग पर बना हुआ है। और आपको बता दें बड़ी तादाद, ये जो अंतिम यात्रा जिस पर निकले हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो पार्थिव शरीर लेकर जाया जा रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सेना का गन कैरेज इसे कहा जाता है, सेना के वाहन को जिसमें पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री का तिरंगे में लिपटा हुआ आप देख रहे हैं। फूलों से सजा हुआ ये गन कैरेज और पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई जो दी जा रही है अटल बिहारी वाजपेयी को। अलविदा अटल जी। कल शाम जब ये खबर आई कि अटल जी नहीं रहे, तभी से उनको श्रद्धांजलि देने वालों का एक तांता जो लगा रहा, हमने देखा किस तरीके से, क्या खास क्या आम, सभी लोग उमड़ पड़े अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए। एक ऐसा नेता जो सिर्फ अपनी पार्टी में नहीं बल्कि विपक्षी पार्टी में भी समान रूप से सम्माननीय रहा, एक ऐसा नेता जो जननेता बना, एक ऐसा नेता जो जनता से सीधा संवाद कर लेता था, सत्ता में रहकर भी कभी उसने जनता के साथ जो रिश्ता है उसको छोड़ा नहीं, बेहद सरल सहज स्वभाव अटल बिहारी वाजपेयी का, जिसके बूते पर वो मकाम अटल बिहारी वाजपेयी ने हासिल किया कि देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी की गिनती। तो अपने आखिरी सफर पर निकल गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अलविदा अटल जी। आज पूरा देश अश्रुपूर्ण विदाई अटल बिहारी वाजपेयी को दे रहा है और देख रहे हैं आप किस तरीके से ये काफिला धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ। स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमानों का एक पूरा पैनल मौजूद है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजकिशोर जी, अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी, युग पुरुष अपने अंतिम सफर पर। बिल्कुल, मैं जब ये तस्वीरें देख रहा हूँ तो मेरे जेहन में बस उनका, अभी थोड़ी देर पहले निरंजन जी उनकी एक ऑब्यूचरी जो उन्होंने श्रद्धांजलि दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उसके साथ साथ मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और राजीव गांधी तक की उनकी 3 श्रद्धांजलियां याद आती हैं। तो जब उनसे एक बार पूछा था, उन पर एक किताब लिखी थी, उनके मित्र थे पंडित चंद्रिका प्रसाद, तो उन्होंने पूछा था कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले कि मैं, और बोले कि मुझे भी कोई ऐसी श्रद्धांजलि दे दी जैसे मैंने दी है। मैं वो सोच रहा हूँ, मैं कल से लगातार टीवी चैनल्स पे बैठा हूँ, देखा हूँ, आज समाचार पत्र पढ़े हैं, मुझे लगता नहीं हम सब मिलकर भी इतना सक्षम हो पा रहे हैं जिस तरीके से वो श्रद्धांजलि कम शब्दों में अपनी बात कह देते थे और जो मर्म को पकड़ते थे और बिल्कुल सीधे जो दिल को छू जाती थी और जो बिल्कुल प्रासंगिक होती थी। तो सारा देश मिलकर उस तरीके की श्रद्धांजलि उनको शायद भावों से दे पाए, शब्द तो शायद इतने समर्थ किसी के पास है नहीं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में ये कह सकते हैं। और दूसरी बात, उनकी एक कविता मुझे याद आ रही है, जिस तरीके का माहौल है उन्होंने जब लिखा था तो ये बहुत नहीं लगता था, एक विचार के साथ चले थे, तो उनकी कविता की आखिरी पंक्तियां थी, शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा पग की गति नहीं रुकेगी, आज कहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके ये नहीं रहेगी। तो वास्तव में दुनिया भी झुकी, उनके विरोधी भी झुके, और ये झुके उनके भय से डर से नहीं, उनका जो विराट व्यक्तित्व था, स्नेह था, श्रद्धा थी, ये सारी श्रद्धांजलि और वो सब दिल से निकल कर आ रही है। तो ये उन्होंने व्यक्तित्व जो है उनका विराट था उन्होंने कमाया है, अर्जित किया है, और ये सम्मान ही असल पूंजी है कि वो जिस तरीके से
कैसे आए थे और कैसे एक मामूली पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति ऐसे जन जन का नायक बन जाए। देश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक अटल बिहारी वाजपेयी निकल चुके हैं अपने अंतिम सफर पर, और फिलहाल आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अब ये तस्वीरें, ये वो रास्ता है जो कि कृष्णा मेनन मार्ग से होता हुआ अकबर रोड पर मिलता है, और यहाँ पर तीनों सेना के तीनों अंगों के जवान हैं वो आगे आगे चल रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिर्फ सेना के तीनों अंग ही नहीं, अगर ये कहा जाए कि पूरा देश इस वक्त नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है तो कहना गलत नहीं होगा। देख सकते हैं अटल जी निकल चुके हैं अपनी अंतिम यात्रा पर, फिलहाल वो जा रहे हैं उसी बीजेपी ऑफिस में, उस नए बीजेपी ऑफिस में जो कि दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बना है, जहां पर वो अब तक गए नहीं थे क्योंकि कुछ वक्त पहले ही बीजेपी का जो पुराना मुख्यालय था 11 अशोक रोड, वहां से नया पता बना है डीडीयू मार्ग पर जो बीजेपी का दफ्तर है। तो आज अटल जी वहां पर पहुंचेंगे जरूर, लेकिन उनका शव वहां पहुंच रहा है, अंतिम यात्रा पर निकले हैं और अंतिम यात्रा पर उनका एक पड़ाव बीजेपी का दफ्तर भी है। 6 कृष्णा मेनन मार्ग जहां से अटल जी की शव यात्रा शुरू हो चुकी है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में पीछे पीछे जो है लोग अटल जी अमर रहे जैसे लगातार नारे लग रहे हैं और लगातार लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग पार्टियों के नेता यहां पर आए हैं, सुबह से ही कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी आए हैं, उनकी पार्टी के कई नेता आए हैं, कई विपक्षी दल जो कि अटल जी के एक तरह से जब सरकार थी वहां पर विपक्ष में भी बैठे थे संसद में, लेकिन वो भी उनके मुरीद रहे हैं क्योंकि अटल जी की शख्सियत ही ऐसी थी। अटल जी जिनको वैसे तो कहा जाता था कि वो बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन विपक्षी दल भी मानते थे कि वो सिर्फ एक पार्टी के नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े राजनेताओं में से एक हैं। बिल्कुल, अंकित गुप्ता जो इस वक्त अकबर रोड पर मौजूद हैं कृष्ण मेनन मार्ग से, पार्थिव शरीर जो धीरे धीरे कर अकबर रोड की तरफ बढ़ रहा है, इस सेना के वाहन में गन कैरेज जो फूलों से सजा हुआ आप देख रहे हैं, और चप्पे चप्पे पर मौजूद है एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की टीम जो इस पूरी अंतिम यात्रा को कवर करने के लिए लगातार तैनात है और सीधे आगे बढ़ते हैं। उसकी अंतिम यात्रा कृष्ण मेनन मार्ग से गुजर कर सीधे अब रवाना हो रही है अकबर रोड की तरफ, और अकबर रोड कांग्रेस मुख्यालय के सामने से होते हुए ये सीधे इंडिया गेट पहुंचेगी। आप देख सकते हैं कि जो सेना का ट्रक है वो पूरी तरह से गेंदे और चमेली के फूलों से लदा हुआ है। इस ट्रक के पीछे गन कैरेज है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर रखा गया है, और आसपास आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में भीड़ चल रही है। ये देखिए जो गन कैरेज है, विकास यही बता रहे हैं किस तरीके से जो अंतिम यात्रा है वो आगे बढ़ते हुए कृष्णा मेनन मार्ग से इस वक्त अकबर रोड की तरफ। अटल जी हम अमर रहे जैसे लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं। अटल जी की शख्सियत ऐसी रही है, फिर भले ही वो विपक्षी पार्टी हो या फिर ऐसे लोग हो जो उनकी खिलाफत भी की हो, लेकिन एक व्यक्तित्व के तौर पर कोई उनकी खिलाफत नहीं कर सकता। और फिलहाल अटल जी का पार्थिव शरीर अब अपने अंतिम सफर पर निकला है, यहाँ से बीजेपी मुख्यालय जाएगा जो करीबन 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और उसके बाद में कुछ देर वहाँ पर रखने के बाद में अटल जी के शव को आगे ले जाया जाएगा जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा स्मृति स्थल पर। फिलहाल अटल जी तिरंगे झंडे में लिपटे हुए उनका पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है, लोगों की आंखें नम भी हैं, पीछे जो है अमर रहे जैसे जो है नारे लग रहे हैं। अटल जी का पार्थिव शरीर अब उनके घर से करीबन 200 मीटर की दूरी पर आ चुका है, ये अकबर रोड यहां से शुरू हो गई है। ये अकबर रोड वही है जहां से करीबन जो है अभी हम आगे जब बढ़ेंगे तो कांग्रेस का मुख्यालय भी रास्ते में पड़ेगा, इंडिया गेट भी रास्ते में पड़ेगा, उसके अलावा इंडिया गेट से होता हुआ तिलक मार्ग ITO पड़ेगा, और उसके बाद में DDU मार्ग पर जहां पर बीजेपी का मुख्यालय है। तो फिलहाल अटल जी का पार्थिव शरीर इस वक्त हमारे सामने है, देश इनको नमन कर रहा है क्योंकि इनको अंग्रेजी में कहा जाता है पॉलिटिकल स्टॉलवर्ट, यानी कि जो एक इनका कद रहा है वो एक ऐसे राजनेता का रहा है जिसको हर कोई, भले ही जो उनका विपक्षी क्यों ना हो, लेकिन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। कई मौके पर यह सुना गया है कि जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी बाकायदा अटल जी की तारीफ करते हुए उनकी कही हुई बातों को दोहराते हैं और उसको भी जो है आधार बनाते हैं विपक्ष बीजेपी के, मौजूदा बीजेपी के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन
अकबर रोड पर मौजूद हैं, जहां से ये पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है, आगे इंडिया गेट पहुंचेगा ये। और देखिए कुल 6 किलोमीटर का फासला है कृष्णा मेनन मार्ग जो अटल निवास, वहां से पार्टी दफ्तर तक का। वो पार्टी जिसे अपने खून से एक तरीके से सींचा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बड़ा हुजूम जो उमड़ रहा है इस अंतिम विदाई में, अलविदा कहने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को, और धीरे धीरे कर पार्थिव शरीर आगे बढ़ता हुआ अकबर रोड से अब ये काफिला आगे बढ़ रहा है इंडिया गेट की तरफ। ये देख रहे हैं आप सेना का वो गन कैरेज फूलों से सजा हुआ, जिसमें पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री का तिरंगे में लिपटा हुआ आप देख रहे हैं, और घर से निकल गए हैं अपने अंतिम सफर के लिए। लेकिन बीच में एक पड़ाव उस पार्टी के दफ्तर का, जिस पार्टी को न सिर्फ पाला पोसा बल्कि ऐसे बड़ा किया कि वो अपने पैरों पर खड़े होने की काबिलियत भी सीख जाए, वो फले फूले जिस तरीके से पार्टी के अंदर दूसरी पंक्ति के नेताओं को ग्रूम किया अटल बिहारी वाजपेयी ने, वो यही दिखाता है। और देखिए ये भी बड़ा दिलचस्प है कि आज अपनी उस पार्टी के जिस दफ्तर में अटल बिहारी वाजपेयी जा रहे हैं, वहाँ जीते जी कभी जा भी नहीं पाए, क्योंकि ये नया दफ्तर जो बनकर अभी पिछले साल ही तैयार हुआ है। अभय दुबे जी, अटल जी का पार्थिव शरीर और अब ये बढ़ रहा है बीजेपी मुख्यालय की तरफ। वो अटल जी का पार्थिव शरीर अब जो अकबर रोड से होता हुआ निकल रहा है बीजेपी मुख्यालय की तरफ, और तिरंगे झंडे में लिपटे हुए अटल जी। बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद की थी कि अटल जी से एक बार मिल लें, जिंदगी में नहीं मिल पाए, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और अटल जी के साथ साथ लोग चल रहे हैं, वो लोग चल रहे हैं जो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे जैसे नारे लगा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नारे, बीजेपी कार्यकर्ता लगातार नारा बुलंद कर रहे हैं, और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का जो पार्थिव शरीर है वो कैसे उनको पसंद करने वालों के हुजूम के साथ धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि जो वाहन चल रहे हैं उनके पार्थिव शरीर, अटल जी के पार्थिव शरीर के पीछे वे उनमें उनके परिवार के सदस्य उन वाहनों में सवार हैं, जबकि गन कैरेज के साथ जो वाहन चल रहा है उसमें अनूप मिश्रा और रंजन भट्टाचार्य और अटल जी के OSD जिंटा जी सवार हैं। तो ये देखिए, जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी तेरा नाम रहेगा, इस तरह के नारे बुलंद कर रहे हैं यहाँ जो उनको पसंद करने वाले, उनको जानने वाले लोग जो उनकी अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में लोग पीछे तक इस यात्रा का, अंतिम यात्रा का अटल जी की हिस्सा बनने के लिए आए हैं, और इस वक्त जो गन कैरेज है जो अटल जी को राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा ध्वज में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर उसको अकबर रोड से होते हुए ले जा रही है बीजेपी मुख्यालय की तरफ। उसके चारों तरफ गगनभेदी नारे बीजेपी कार्यकर्ता, उनको अटल जी को पसंद करने वाले लोग लगा रहे हैं। और जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा, इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। और ये किस तरीके से अटल जी की अंतिम यात्रा जो आगे बढ़ेगी, जो सेरिमोनियल इंचार्ज हैं इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि अभी जो है सबसे पहले जिस जी, तो हम रिपोर्ट्स आपको मौके से लगातार दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स जो हर चप्पे चप्पे पर मौजूद है जहां से इस अंतिम यात्रा को गुजरना है। अकबर रोड से इस काफिले के साथ आगे बढ़ते हुए अंतिम अंकित गुप्ता जो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और वो बता रहे हैं किस तरीके से जब तक सूरज चांद रहेगा अटल तेरा नाम रहेगा, इस तरीके के नारे लग रहे हैं वहाँ पर। और
अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अपने अंतिम यात्रा पर निकल गए हैं अटल बिहारी वाजपेयी। पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ आगे बढ़ता हुआ सेना का वाहन जिसे गन कैरेज कहा जाता है, जिसमें पार्थिव शरीर को रखा गया है और धीरे धीरे कर बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ता हुआ ये कारवां। अभय जी, जहां पर हमने बात छोड़ी थी, कसक तो रह जाएगी लेकिन पार्टी के लोगों में कि एक बार जीते जी कम से कम इस पार्टी के नए दफ्तर को तो देख लेते। नहीं, अगर अटल जी को भी बहुत अच्छा लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बहुत ही भव्य है, एक असाधारण दफ्तर है, शायद ही मेरे ख्याल से भारत ही नहीं दुनिया में ऐसी कोई ऐसा राजनीतिक दल होगा जिसके पास इस तरीके का दफ्तर हो। तो ये दफ्तर भारतीय जनता पार्टी की जो प्रगति हुई है उस प्रगति का एक तरह का रूपक बन गया, एक तरह का मेटाफर बन गया है ये दफ्तर। ये अटल जी भारतीय जनता पार्टी को कैसा बनाना चाहते थे और उन्होंने कैसी नींव रखी उसकी, जो पहला हिस्सा है वो इस वक्त मेरे सामने से गुजर रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और एक एक करके गाड़ियां जो है वो धीमी गति से गुजर रही हैं। आप देख सकते हैं रफ्तार गाड़ियों की जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम की रफ्तार है, बिल्कुल रेंगती हुई गाड़ियां जो हैं। और इन गाड़ियों को देख करके आप कोई अंदाज़ा लगा सकता है खुद से ही कि देश के लोगों के मन में जिस तरीके से कल से निराशा है, कल शाम से निराशा है, वो निराशा इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रही है। बिल्कुल सन्नाटा है और सन्नाटा खैर इसलिए है क्योंकि ट्रैफिक रोका गया है, क्योंकि अटल जी का जो पार्थिव शरीर है वो उनके घर से पार्टी दफ्तर तक ले जाया जा रहा है। और इस वक्त आप उस काफिले का पहला हिस्सा देख रहे हैं जिसमें कि ये तमाम सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां हैं, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो स्कॉर्ट कर रहे हैं आगे, सभी गाड़ियों में सुरक्षाकर्मी हैं दिल्ली पुलिस के। और इसके बाद ये देखिए, ये जिप्सी है, सेना पुलिस की, मिलिट्री पुलिस की जिप्सी है, उसके पीछे एक एम्बेसडर है, उसके पीछे ट्रक है और फिलहाल कई सारे ट्रक जो है वो कतार में हमें नजर आ रहे हैं। और फिलहाल आपसे 10 मिनट पहले अटल जी का पार्थिव शरीर उनके घर से निकला है, कृष्णा मेनन लेन 6 से, कृष्णा मेनन लेन जो उनका पता था, आवास था प्रधानमंत्री पद छोड़ने के बाद से, वहां से उनका पार्थिव शरीर निकला है कृष्णा मेनन लेन से। अकबर रोड पर फिलहाल उनका पार्थिव शरीर और जो शव यात्रा जो निकल रही है वो अकबर रोड पर है। और फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, ये सेना के जवान हैं और काली पगड़ी में है, शोक का प्रदर्शन शांतिपूर्वक आप देख सकते हैं, चेहरे पर एक निराशा का भाव है, जवानों के चेहरे पर निराशा का भाव नहीं देखा जाता, जवानों के चेहरे हमेशा गर्व से फूले होते हैं। और ये देखिए उसके पीछे आप ये सफ़ेद वर्दी में इंडियन नेवी के ये जवान हैं और सबके सब जो है वो उनके चेहरों पर हम देख सकते हैं कि एक निराशा का भाव है। और इसके बाद एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन मोहित से कहूँगा कि पैन करके जो काफिले का मुख्य काफिला है उसकी तरफ तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करें। देखिए काफिला फिलहाल रुक सा गया है क्योंकि स्वाभाविक है अटल जी को देखने के लिए, उनके आखिरी दर्शन करने के लिए काफ़ी सारे लोग उमड़े हुए थे। एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कांग्रेस दफ्तर के बाहर, वो कांग्रेस पार्टी जिससे राजनीतिक लड़ाई रही ता उम्र अटल बिहारी वाजपेयी की, जब तक राजनीति में रहे इसी कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और इसी कांग्रेस को परास्त करके प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज इसी कांग्रेस दफ्तर के सामने से अकबर रोड से अटल जी का जो पार्थिव शरीर है वो अब पहुंच गया है अकबर रोड पर। एक तरफ पास ही में 10 जनपद यानी कि सोनिया गांधी का जो आवास है और अब अटल जी का पार्थिव शरीर यहाँ पहुंच गया है। अटल जी की जय जयकार के नारे लग रहे हैं। अटल जी की जय जयकार, अटल जी की जय जयकार, एक दो तीन चार, अटल जी की जय जयकार, कुछ इस तरीके से लगातार यहाँ पर नारे लग रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अटल जी का जो पार्थिव शरीर है। एक पंक्ति थी, ना हार ना मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल की कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी हाँ, अटल जी की ये पंक्तियाँ शायद हर किसी के जुबान पर, क्योंकि हार नहीं मानने की बात कही गई थी और वाकई में अटल जी ने अगर ये कहा जाए कि हार नहीं मानी है तो वो कहना गलत नहीं होगा। और इसी वजह से लोग उनके साथ साथ चल रहे हैं, अटल जी को अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब ये जो काफिला है जो अटल जी के शव यात्रा के साथ साथ इस वक्त लोग चल रहे हैं, ये पार्थिव शरीर, और हम यहाँ से देख सकते हैं कि काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां पर हैं और इस वजह से जो शव यात्रा है उसकी गति भी काफी मंद है। हमसे कुछ मीटर की, कुछ सौ मीटर की दूरी पर पार्थिव शरीर अटल बिहारी वाजपेयी का, उनकी अंतिम यात्रा
जो है वो धीमे धीमे अकबर रोड से गुजरती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। दिल्ली पुलिस और सेना पुलिस के जो जवान हैं वो स्कॉर्ट कर रहे हैं आगे, और पीछे अपने चाहने वालों के बीच में, समर्थकों के बीच में अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर जो है वो एक सेना की गाड़ी पर रख कर के तिरंगे से लिपटा हुआ वो निकल रहा है। और इस वक्त ये अकबर रोड से गुजर रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर। उनकी शव यात्रा काफ़ी धीमी गति से निकल रही है यात्रा, क्योंकि लोग साथ में पैदल चल रहे हैं। उनके आवास से ये पार्टी ऑफिस, जो बीजेपी का नया पार्टी ऑफिस है, वहाँ तक ये यात्रा जा रही है। और फिलहाल सोनिया गांधी का जो आवास है, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के सामने से ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की शव यात्रा निकल रही है। ये देखिए ट्रक में जो सेना के जवान हैं वो आगे आगे चल रहे हैं, और धीमी गति से ये काफिला आगे की ओर बढ़ता हुआ, फूल मालाओं से लदी हुई है गाड़ी जिसमें अटल जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। और उसके सामने जितनी गाड़ियां चल रही हैं, चाहे पुलिस हो, मिलिट्री पुलिस हो या सेना हो, सबके जो जवान हैं काली पगड़ी पहनी हुई है जवानों ने, और चेहरे पर तनाव का भाव है, निराशा का भाव है, मायूसी का भाव है। और अब मेरे ठीक सामने से होता हुआ ये जो आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर है, उसके साथ में लगातार लोग चल रहे हैं, और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जो है इस वाहन पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से इसको सजाया गया है, तो वो अगर हम उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर हमको एक बैरल गन भी नजर आ रही है। जब हमने जानकारों से बात की है तो उनका ये कहना है, क्योंकि अटल जी मुखिया रहे थे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लिहाजा उनको इस तरीके का ऑनर दिया जा रहा है। तो फिलहाल कांग्रेस मुख्यालय के सामने होता हुआ अटल जी का पार्थिव शरीर आगे बढ़ रहा है इंडिया गेट की तरफ। सामने आगे जामनगर हाउस आएगा और उसके बाद में शुरू होगा इंडिया गेट। तो फिलहाल अटल जी का पार्थिव शरीर अब कांग्रेस मुख्यालय के आगे से गुजरता हुआ बीजेपी मुख्यालय की तरफ बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज कोशिश कर रहा है आपको अटल जी की जो है में हमारे विश्वास में हिंदी जगत के महर्षि का आज परलोक गमन हुआ है। पूरा संसार स्तब्ध है, भारत ही नहीं अपितु पूरी दुनिया के अंदर हिंदी प्रेमी और हिंदी से प्रेम करने वाले साहित्य जगत के महान हस्ताक्षर वाजपेयी जी। तो शब्द कम पड़ जाएंगे लेकिन भावनाओं को व्यक्त नहीं किया जा सकता। इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्थिव शरीर अकबर रोड से होता हुआ निकल रहा है, और तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, और उनके पीछे तमाम समर्थक कैसे याद करते हैं तमाम जी। अटल जी हमारे प्रेरणा पुरुष रहे हैं, इसीलिए कल पता चला तुम ट्रेन पकड़ के पटना से सुबह पटना से दिल्ली आए हैं, इसी अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए मैं आया हूँ। क्योंकि मेरे जीवन में तीन ही लोग सर्वप्रिय, पूज्य अबुल कलाम जी, अटल जी, पूज्य सुदर्शन जी। एक दिन का अवकाश लेकर मैं दिल्ली NCR में मेन प्रचार संघ और बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता समर्थक हैं जो अटल जी के साथ, अटल जी के पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं, और सब लोग अपने अपने तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी को याद कर रहे हैं। इस वक्त अटल जी का पार्थिव शरीर अकबर रोड से ही निकल रहा है, और यहां से कुछ आगे इंडिया गेट के गोल चक्कर से होता हुआ ये प्रवेश करेगा बीजेपी मुख्यालय की तरफ, जाने वाली जो सड़क है उसकी तरफ, और नारे लगाए जा रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ऐसे नारे लगाए जा अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। उरई से, मैं बिहार से हूँ, ठीक है, मैं बिहार से हूँ, और अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रेम और श्रद्धा है वहाँ तक खींच कर लाया हम लोगों को। हम चाहते हैं कि यह देश हमेशा इनको अपने दिल में बिछा बैठा कर रखे। वंदे वंदे। बरेली से मंडल महामंत्री ग्रामीण हूँ मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के 99 में लोकसभा सीट पे। तो ये लोग तो साथ चल रहे हैं, अगर आपको दूसरी तरफ सड़क के दूसरी तरफ का नजारा दिखाएं तो लोग उतर करके होता हुआ अब आगे बढ़ गया है इंडिया गेट सर्किल के पास में। और जो सुरक्षा कर्मी है उनके सामने चुनौती ये है कि इस शव यात्रा को, अटल जी के जो अंतिम यात्रा पर जो निकले हुए हैं, उसको बीजेपी ऑफिस तक जल्द से जल्द पहुंचाया जाए।
अटल जी का पार्थिव शरीर इस ताबूत में है। अटल जी अमर रहे, इस तरीके से लगातार लोग नारे लगा रहे हैं। अटल जी को बहुत सारे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि उनसे एक बार मिलना हो जाए, अगर कभी मिलना नहीं हो पाया तो अब वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की जय हो, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। दिखाना चाहूंगा इस वक्त आप हम जो पहुंचे हैं मानसिंह रोड की तरफ, जो रासमुर्ता अकबर रोड सीधा है और मौलाना आजाद रोड लेफ्ट है। तो फिलहाल इस सर्किल पर हम पहुंच चुके हैं और सामने अगर दिखाने की कोशिश करता हूं तो वहां पर तीनों जो अंग हैं सेना के वो इस वक्त हमको यहां पर दिख रहे हैं इस शव यात्रा के साथ साथ चलते हुए। और दूसरी तरफ ये शव यात्रा जो लगातार आगे बढ़ रही है, जय श्री राम के भी नारे हैं, क्योंकि अटल जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब राम भूमि मूवमेंट हुआ था उस दौरान भी, राम मंदिर मूवमेंट के दौरान भी अटल आडवाणी की जोड़ी का अक्सर जिक्र होता था, लेकिन उसका बड़ा चेहरा आडवाणी रहे थे, लेकिन नाम हमेशा अटल आडवाणी की जोड़ी का लिया जाता रहा है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।